आगरा से ब्रेकिंग न्यूज, पर्यटक जल्द ही कर सकेंगे ताज का दीदार। 16 जून से खुलने जा रहे हैं ताजमहल सहित सभी स्मारक। करीब 3 महीने की बंदी के बाद स्मारकों के खुलेंगे ताले। ताजमहल के खुलने से पर्यटन व्यापार की जगी उम्मीद। एसआई अधीक्षण पुरातत्वविद वसंत कुमार के अनुसार कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पर्यटक ताज का दीदार कर सकेंगे। सैनिटाइजर, मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का किया जाएगा पालन। किस तरह की क्या रणनीति है, क्या प्रोटोकॉल रहेगा? देखिए, लगभग 3 महीने की बंदी के बाद, चूँकि अब कोरोना महामारी का प्रकोप को कमी को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि 16 तारीख से देश भर के सभी स्मारक दर्शकों के लिए खोले जाएंगे। इसमें ताजमहल भी निश्चित रूप से 16 तारीख से खुल रहा है। इसमें जो हमारे SOP है, जो प्रोटोकॉल्स हैं, वो फॉलो किए जाएंगे। पूरे स्मारक परिसर के सैनिटाइजेशन की पूर्णतः व्यवस्था होगी। दिन में 3 बार हम लोग उसको सैनिटाइज करेंगे। किसी भी प्रकार से रेलिंग, सीढ़ियाँ या सरफेस को छूने पर पाबंदी रहेगी। पूरी व्यवस्था टिकटिंग की ऑनलाइन ही रहेगी, अभी फिजिकल टिकट नहीं दिए जाएंगे। दर्शकों को प्रवेश के दौरान उनका तापमान चेकिंग और उनके हाथों और पैरों को, जूतों को, तलवों को सैनिटाइज कराने की विशेष तौर से व्यवस्था की जाएगी। जहाँ तक उसमें जो आदेश हमें प्राप्त हुआ है दिल्ली से, उसमें ये क्लियर लिखा हुआ है कि इनके अलावा यदि राज्य सरकार या जिला प्रशासन की कोई भी गाइडलाइन है, उनको पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। तो दर्शकों की संख्या का निर्धारण जो है उसी के आधार पर किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ अब भारत।